वट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई तो हमसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं रैशनल नंबर के और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू टू जीरो ठीक है और एक और चीज हमें बोली है कि पी एंड क्यू का कोई भी और फैक्टर ना हो वन के अलावा नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन तो मतलब जो हमें p और q लेने होंगे वो हमें ऐसे लेने हैं एग्जाम्पल में कि उनका वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो ठीक है और एक और चीज़ बोली है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उनकी एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग आनी चाहिए जब हम p अपॉन q को सोल्व करेंगे डिवाइड करके तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी ओके और हमें क्वेश्चन क्या पूछा कैन यू गेस वट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई अब क्या आप बता सकते हो कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ठीक है मतलब क्यू जो है वो कैसा होना चाहिए कि अगर हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ जाए और पी और क्यू का कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई और ना हो तो इन सब के लिए क्यू कैसा होना चाहिए ओके सो so, कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं हम आप मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि वन अ टू ओके अब हम वन अंट टू को सबसे पहले तो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा ठीक है तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी हो गई सोल्व दूसरी बात इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो क्या आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे तो जीरो पॉइंट फाइव इतना ही आएगा वन अपॉइंट टू को सोल्व करके तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो ये वन अपॉइंट टू जो है पी अप क्यू की फॉर्म में भी है प्लस इनका कॉमन फैक्टर भी वन के अलावा कोई और नहीं है और डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है आप कोई और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं मान लो हमने ले लिया थ्री अपॉन फाइव अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखो जीरो पॉइंट फाइव सिक्स थर्टी जीरो पॉइंट सिक्स और ये भी ऐसा ही एग्जाम्पल हो गया ठीक है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है अब एक और एग्जाम्पल ले लो मान लो हमने ले लिया अभी वन अपॉन थ्री ठीक है अब इसको सोल्व करो जब हम वन अपॉन थ्री को सोल्व करेंगे तो की क्या आएगा जीरो पॉइंट थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री थ्री ज़ा नाइन और ये इस तरीके से आ जाएगा है ना तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी आ गई टर्मिनेटिंग तो नहीं है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गई प्लस ये रिपीटिंग भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब हम ऐसा एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो बोला है कि एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए तो ये वाले दोनों एग्जाम्पल्स तो वर्क करेंगे इस क्वेश्चन में बट ये वाला एग्जाम्पल जो है वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो आप देखो अगर हम इन सब एग्जाम्पल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें मिलेगा जो हमारा क्यू है वो या तो टू है या तो फाइव है है ना तो हमारा जो क्यू है वो कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ लिखते हैं है? Q जो है वो होना चाहिए या तो वो टू की पावर्स में हो या फिर वो फाइव की पावर्स में हो या फिर दोनों की पावर्स में हो ठीक है तभी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी अगर वो पावर्स ऑफ टू या पावर्स ऑफ फाइव के अलावा कुछ भी होगा तो जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं आएगी ठीक है अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें वन अपॉइंट टेन ले लिया टेन को आप क्या लिख सकते हो टू मल्टीप्लाई फाइव तो इसमें टू की भी पावर आ रही है और फाइव की भी और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर ज़ीरो पॉइंट वन यही आएगा ना वन अपॉन टेन को सोल्व करोगे तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो हमारी ये बात प्रूव हो गई कि जो हमारा क्यू है वो या तो टू की पावर्स में हो या फिर वो फाइव की पावर्स में हो या फिर दोनों की पावर्स में हो तभी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी तो हमारा Q कैसा होना चाहिए हम आंसर में लिखेंगे दैट Q हैज ओनली पावर्स ऑफ टू और पावर्स ऑफ फाइव और बहुत मतलब जो Q है हमारा वो या तो टू हो या फिर टू की पावर भी हो सकती है टू टू जहाँ फोर भी हो सकता है तो पावर्स में भी हो सकता है या फिर फाइव की पावर्स में हो या फिर टू एंड फाइव दोनों की पावर्स में हो मतलब हमारा Q ऐसा होना चाहिए ओके सो दिस इज डन आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय